उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून। नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम का आखिरकार अंत हो ही गया। उद्धव ठाकरे ने सीएम पद का कार्यभार संभाल लिया, कैबिनेट की एक बैठक भी ले ली है और उसके बाद अब केंद्र के साथ सामंजस्य बैठाकर चलने के लिए भी उत्साहित है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बिना केंद्र की मदद के महाराष्ट्र में ये तीनों दलों के साथ मिलकर बनी सरकार का कोई भला नहीं होने वाला है। इसलिए जरूरी है कि केंद्र के साथ मिलकर ही काम करे महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार। इसके लिए उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के बधाई संदेश का जवाब पीएम मोदी का आभार जताते हुए किया और पीएम मोदी को अपना बड़ा भाई बताया। अपने ट्विटर हैंडल के जरिए पीएम के बधाई संदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने ट्वीट किया, लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। केंद्र में आप जैसे बड़े भाई और राज्य में मजबूत कैबिनेट के साथ मैं नए महाराष्ट्र के निर्माण को लेकर लगातार काम करता रहूंगा। अब सीएम ठाकरे के ट्विटर हैंडल पर जब इस तरह के विचार दिखे तो फिर लोगों ने भी उनके ट्विटर पर जमकर मजे लिए। सेलर नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, भाई साहब इज्जत तो खो दी तुमने, रियली अब जो मर्जी कहो, तुमने सत्ता के लिए धोखा करके गलत किया। सीतू शर्मा ने लिखा कि शिवाजी पार्क में पहली बार शिवसेना का ऐसा कोई कार्यक्रम हुआ जिसमें जय श्री राम का नारा नहीं लगा, कोई शर्म नाम की चीज है। ऋषि मिश्रा ने लिखा, अब बड़ा भाई तुम्हें बताएगा कि काम कैसे होता है। धीरज ने लिखा, इटालियन मैडम जी से परमिशन लेकर ट्वीट करने में थोड़ा टाइम लगता है भाई। विकास प्रधान ने लिखा, 56 सीटों से सरकार बना ली और फिर भी शर्म नहीं आती। कौशल मिश्रा ने लिखा, बड़े भाई पहले अपने संजय को समझाओ जो हर समय मोदी जी को गाली मारता है। ठाकुर साहब ने लिखा, अब देखना है कि कांग्रेस सावरकर को देशभक्त बोलेगी या शिवसेना सावरकर को गद्दार बोलेगी। तो कुछ इस तरह उद्धव ठाकरे के पीएम मोदी को बड़े भाई कहकर संबोधित करने वाले ट्वीट को लेकर लोगों ने उन्हें ट्रोल कर दिया। महाराष्ट्र में सरकार का फुल एंड फाइनल होने के बाद शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी एक लेख छपा था। शुक्रवार को सामना में छपा था, देखते क्या हो, शामिल हो सुराज्य का उत्सव। फिर लिखा, महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा शिवसेना में अनबन है, लेकिन पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे का रिश्ता भाई भाई का है। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को सीएम पद की शपथ ली थी, जिसके बाद उन्होंने पहली कैबिनेट बैठक भी ली जिसमें न्यूनतम साझा कार्यक्रम को लेकर घोषणा की गई। बहुमत सिद्ध करने के लिए राज्यपाल ने सीएम उद्धव को 3 दिसंबर तक का वक्त दिया था, लेकिन गठबंधन में शामिल दलों से बातचीत के बाद शिवसेना प्रमुख ने शनिवार को ही परीक्षण साबित करने का फैसला लिया।